13, इसमें टू पार्ट्स है। तो पहले पार्ट को देखते हैं, ए रेक्टेंगुलर शीट पेपर 40 सेंटीमीटर इनटू 22 सेंटीमीटर इस रॉड टू फॉर्म ए हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, एक शीट है इस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, उसको रोल करते हैं तो एक सिलेंडर फॉर्म में आता है जिसकी हाइट गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो इसको देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18, जैसे कोई शीट है रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, इसकी हाइट 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर, ठीक है, जैसे कोई रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, इसकी हाइट है 40 और 22। जब हम इसको रोल करते हैं तो ये इस तरीके से एक ऊपर की तरफ सर्कल जैसा बनता है, तो सर्कमफेरेंस या परिमीटर वो कितना था 22, रोल करेंगे तो भी वही रहेगा, तो हमने सर्कमफेरेंस लिया 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हाइट हमें गिवन है और जब हम इसको रोल करते हैं तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, ऐसे इस तरीके से सर्कल मिल जाएगा जिसका सर्कमफेरेंस या पेरिमीटर 22 सेंटीमीटर और हाइट हमें 40, ठीक है, तो ये किस शेप में आ गया, सिलेंडर, ठीक है, तो इसका रेडियस हम इजीली फाइंड कर लेंगे, तो हाइट हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और सर्कमफेरेंस सेंटीमीटर, ठीक है, सर्कमफेरेंस क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर जो है 22, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर इक्वल 22, ठीक है, यहां पर आर इधर ले लेंगे 22 से भी 7 का डिवाइड हो रहा उधर गया मल्टीपल और ये मल्टीपल हो रहा उधर गया तो डिवाइड, तो 2 इंटू 22 तो 22 22 कैंसिल तो 7 अपॉन 2, इसको सॉल्व करने पर 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमें मिल जाएगी सिलेंडर की 3.5 सेंटीमीटर। आंसर हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट है ए सिलेंडर ए कॉन एंड ए हेमिस्फीयर हैव सेम बेस एंड सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। यहां पर एक सिलेंडर एक कॉन और एक हेमिस्फीयर जिसके रेडियस मतलब सेम बेस मतलब रेडियस ही हुआ, रेडियस और हाइट इक्वल, तो इसको देख लेते हैं और रेशियो फाइंड करना है वॉल्यूम का, क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट, इसमें सिलेंडर कॉन और हेमिस्फीयर जो सेम बेस और सेम हाइट है, तो बेस मतलब रेडियस सेम और हाइट भी सेम, रेडियस और हाइट इक्वल है, हमें इनके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशियो फाइंड करना है, वॉल्यूम कौन वॉल्यूम हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला पाई आर इस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब,
ठीक है। अब यहां पर हमें क्या रेडियस और हाइट इक्वल है, मतलब ये हाइट रेडियस इक्वल या मल्टीपल कर दूं तो r क्यूब हो जाएगा, इधर भी है और इधर भी है, तो यहां पर हम रीजन लिख सकते हैं हाइट रेडियस और रहेगा पाई r क्यूब, रेशियो फाइंड करना है ठीक है, 1/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 110 कर लेते हैं दोनों को, तो यहां पर आ जाएगा 3 पाई r क्यूब, पाई r क्यूब तीनों में कॉमन है तो हम 3 रेशियो यहां पर 1 रेशियो 2 ठीक है, तो ये हमें वॉल्यूम का रेशियो मिल जाएगा और यही आंसर होगा। तो इसमें रेशियो में वॉल्यूम डिवाइड होगा ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, ए डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर ठीक है। डाइस डाइस देखा होगा उसमें कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो डाइस में 6 नंबर होते हैं ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ठीक है। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्राइम नंबर की, तो टोटली नंबर कितना होता है 6। अब इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है, तो प्राइम नंबर 2 होता है, 3 और 5 प्राइम नंबर है जिसमें खुद से और 1 से डिवाइड होते हो ठीक है। तो अब टेबल में क्या आ गया, कितने नंबर आ गए हमने, 2 3 5 यानी 3 नंबर अपने फेवर में, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो फेवर में अपने 3 है ठीक है, तो नंबर फेवरेबल आउटकम 2 प्राइम नंबर हो गया 2 3 5, तो ये टोटल नंबर है 2 3 5, तो ये टोटली 3 नंबर है, तो ये अपने फेवर में कितना है 3, और टोटल नंबर आउटकम कितने हैं, तो टोटल 6 नंबर है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो हमें फाइंड करना है वो लिख लेते हैं, तो प्राइम नंबर प्राइम ठीक है फेवर में 3 और टोटल 6, ये कैंसिल हो रहा है 1 2 1/2 ये हमारा आंसर। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द मीन ऑफ द डाटा सीरीज एन इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें भी 2 पार्ट्स है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, फाइंड द मीन ऑफ द डाटा यूजिंग एन इंटीग्रल फॉर्मूला वेयर इट इज गिवन दैट मॉड इज 50.5 एंड मीडियन इज 45.5। यहाँ पर इंटीग्रल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, अगर वो मालूम है तो इसको इजीली कर लेंगे। तो इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है तो इसको देखते हैं, तो इसको देखते हैं इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 25 फॉर्मूला होता है
3 median equal mod plus 2 mean. ये इंटीग्रल फॉर्मूला होता है, अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो और हम फाइंड कर सकते हैं मीन को इजी। तो 3 मीडियन, तो यहां पर हमें गिवन क्या है, मीडियन दिया हुआ है, तो मीडियन फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव और मॉड दिया हुआ है 50.5। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला 3 मीडियन इक्वल मॉड प्लस 2 मीन, तो 3 इंटू मीडियन क्या है 45.5 इक्वल मॉड क्या है, यहां पर मॉड दिया हुआ है मीन, मीन को फाइंड करना है। ठीक है, तो मॉड है 50.5 प्लस 2 मीन। ठीक है, तो 3 इंटू 45.5 ये कितना आएगा, तो आएगा इसको कर देते हैं, ये मिलेगा हमें 5.6136 और ये प्लस की टर्म में इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा -50.5 और 2 मीन। ठीक है, इसको सेपरेट करने में कितना आएगा, तो जाएगा 86 इक्वल 2 मीन। तो ये मल्टीपल हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड 2 मीन मिलेगा हमें 43, तो हमें मीन मिल गया 43। ठीक है, इसके चलिए पार्ट देखते हैं। 25 के सेकंड पार्ट, a bag contains 6 red and 5 blue balls. Find the probability that the ball drawn is not red. ठीक है, red ball की क्या probability ये find करना है, तो इसको देख लेते हैं। तो probability का formula से हम इसको easily कर सकते हैं। तो probability का formula तो हमें पता ही है, number of favorable outcomes about total number of आउटकम। ठीक है, तो यहां पर रेड बॉल है 6 और ब्लू बॉल है 5 और हमें प्रॉफिट, तो यहां रेड बॉल है 6 और ब्लू बॉल है 5 और यहां पर प्रॉफिट निकालनी है नॉट रेड बॉल, यानी रेड बॉल की नहीं आने की क्या प्रॉफिटी। तो टोटल टोटल बॉल कितनी है 6 प्लस 5 टोटल 11 बॉल है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को 11 आ जाएंगे। ठीक है, अब फेवर, तो टोटल बॉल से 11, अब अपने फेवर में देखना है, तो फेवर में रेड बॉल नहीं चाहिए। ठीक है, तो रेड बॉल नहीं चाहिए, तो रेड बॉल अपने पास 6 है, तो फेवर में आ जाएगा 11-6 तो 5। ठीक है, तो फेवर में या पॉसिबल है 5, तो फेवर फेवरेबल आउटकम। ठीक है, 5, तो फॉर्मूले पर हम रख लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले का हम लिख देते हैं 5 अपने फेवर में और टोटल 11, तो हमारी प्रॉबिलिटी रेट नहीं आने की क्या हो जाएगी 5/11, तो यही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ हमने सेपरेट
ज्यादा बोल थी तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते तो भी इजीली हो जाता। यहाँ पर टू बॉलिस थी, रेड और ब्लू, ग्रीन येलो होती तो सारे को ऐड करके